वाली एक महिला ने अपने पति और ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कैंट थाना में दर्ज कराई गई शिकायत में महिला द्वारा ससुर पर छेड़छाड़ करने और आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं पति पर प्राकृतिक कृत्य करने का उसने आरोप लगाया है और केंद्र थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। थाने की पुलिस महिला टीम इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। शीघ्र ही जांच कर आरोपी पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पूरा मामला ये लड़की से क्या? प्रार्थिया एक है, उसने शिकायत दी है, एक लिखित टाइपशुदा आवेदन पेश किया है कि उसके पति द्वारा उसके साथ आपत्तिक योग संबंध बनाए गए हैं और उसके जो ससुर है उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ और असली हरकतें की गई। तो उसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 475 धारा 377 354 का 384 का कायम करके विवेचना में लिया है। जी ये कहाँ की रहने वाली है? ये कटंगा सदर की रहने वाली है। जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही है वो कहाँ के? वो भी सदर ही के रहने वाले। कौन है ये जिनके खिलाफ इनने रिपोर्ट लिखा है? अब ये वो अभी विवेचना में तथ्य आएंगे फिर आपको बताएंगे। आपका नाम और पता? एसआई जय तिवारी। एक सेकंड जी, क्या मामला है पूरा बताएं। लड़के से मेरे 4 साल तक के संबंध थे, उसने मुझे इंदौर ले जाया। मेरे साथ निशांत दीक्षित, पिता का नाम है गुड्डा दीक्षित, शिवचरण दीक्षित नाम से इन्होंने मेरे साथ 4 साल संबंध बनाए। अभी अगस्त में शादी किया मुझसे और अगले दिन ही घर में लाके छोड़ दिया। बोलता है मैं नहीं रखूँगा तुझ जैसी गंदी लड़की को, छोटी जात की है तू। बाकायदा मैं कलार हूँ OBC और फिर भी इसने मेरे को छोड़ा। और फिर इसके पापा बोलते हैं देखो जो करते बने कर ले, TI SP सब ऑफिसर्स को मैं खरीद लूँगा, यहाँ तक कि मैं तेको मरवा दूँगा, उठवा लूँगा गुंडों से, और तू कहाँ कहाँ तक जाएगी। और सर फिर मैंने इसके खिलाफ न्यायालय में कंप्लेन की सेक्शन 9 और डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके तहत मैं थोड़े दिन बाद अपने ससुर से मिलने गई गुड्डा दीक्षित जी से। उन्होंने कहा मेरे छाती पे एक थक्का दिया, गलत नज़र से देखा, मेरा दुपट्टा खींचा और बोलते हैं कि तुझ जैसी लड़की नीच गंदी, गालियाँ दी मुझे और बोलते तू बस सोने के लिए बनी है, अब तेरे को जो करते बने कर ले। मैंने तो 376 ना लगे मेरे बेटे निशान दीक्षित पे, इसलिए मैंने ये सब किया हूँ, तेरी शादी करवा के तेरे को छोड़ दिया हूँ। तो मैं TI थाने आई हूँ, अभी मैंने कंप्लेन करी है लड़के के खिलाफ 377, जिसमें इसने अननेचुरल सेक्स किया मेरे साथ और फिर मेरे वीडियो बनाए, वायरल करने की धमकी दी मुझे और अब मेरे अपने दोस्तों को दिखा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कार्रवाई हो और कोई भी ऑफिसर इसमें अच्छे से न्याय के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाए। अब कितने साल से इसका संबंध? 4 साल से हम एक साथ थे रिलेशनशिप में, 2018 अगस्त से थे। शादी कब हुई? शादी हमारी 17 अगस्त को हुई है 2021 अभी, और शादी के एक दिन इंदौर में जाके इसने मेरे को जबरदस्ती लेकर गया अपने साथ, ट्रेन की टिकट भी इसी ने कराई और फिर मेरे को अगले दिन 19 तारीख को यहाँ लेकर आया और छोड़ दिया। शारीरिक संबंध शादी के पहले से? शारीरिक संबंध पहले से बनाए, मेरे को वायरल मेरे वीडियो बनाए, मेरे को दिखाया, डराया गया गलत वीडियो में, बोला गया अगर मेरे साथ नहीं रही तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं रही, मैंने फिर उसको बोला कि मेरे से शादी करो नहीं तो मैं सब जगह बता दूंगी थाने में। तो बोलता है चलो ठीक है, जबलपुर से नहीं करते हैं शादी, अपन चल के इंदौर से करते हैं। इंदौर लेके गया, वहाँ से मुझ में आर्य समाज मंदिर से मुझसे शादी की इसने और अगले दिन जबलपुर आए, यहाँ पे भी होटल में रुकवाया, संबंध बनाया, बोला तू मेरी बीवी है, मेरा हक है तुझ पे, गलत तरीके से। और फिर मेरे को घर लेकर गोरखपुर में छोड़ दिया रास्ते में। मैंने फ़ोन लगाया तो इसकी बहन शिवांगी दीक्षित ने बोला कि आप घर मत आओ, घर में फायरिंग हो गई है, सदर में रहते हैं ये लोग। फिर मैं घर पहुंची गोरखपुर से सदर तो कुछ नहीं हुआ था घर में, और मैंने घर में जाके देखा तो इसके पापा ने गलत तरीके से मुझे धक्का दिया, मेरी छाती में टच किया और बोलते हैं निकल जाए यहाँ से, कुछ नहीं कर पाएंगे, तेको बहू नहीं बनाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो बस। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, कटंगा स्कूल सदर के पास रहती हूँ। कहाँ पढ़ाई करते थे आप? मैंने प्रेस्टीज इंदौर से पढ़ाई की है। दोस्ती कब हुई इससे? 2018 में। कहाँ पे दोस्ती हुई आपकी? फेसबुक के थ्रू इन्होंने मुझे मैसेज किया। आपकी दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? दोस्ती मेरी आना जाना होता था सदर में, इनके घर में मैं कई बार आई हूँ, वहाँ से हमारी दोस्ती और शारीरिक संबंध शुरू हुए। क्या नाम है आपका? जिसकी आपने FIR अभी पूरा जी बताइए ना, कहा क्या किया? FIR मैंने 377 कराई है, 354 अपने ससुर गुड्डा दीक्षित जी पे करवाई है, क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ, मेरी बॉडी को, मेरा दुपट्टा खींचा और बस यही हुआ है अभी तो। अब आगे की कार्रवाई मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छे से न्याय। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।